और आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर आज बड़ी बैठक की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए ये बड़ी बैठक की जा रही है, क्योंकि देखिए एक तरफ चारधाम यात्रा जो अब संपन्न होने की कगार पर है, दूसरी तरफ अब अमरनाथ यात्रा जो अब शुरू होने वाली है, उससे पहले ये हाई लेवल की मीटिंग आज हो रही है। हाई लेवल मीटिंग अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है, किस तरह से सुचारू तरीके से अमरनाथ यात्रा को संपन्न कराया जाए, तैयारियां क्या हैं, क्या प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त यहां पर किए हैं, किस तरह से लोग दर्शन करके लौटेंगे, ये हर एक पहलू के ऊपर आज बारीकी से चर्चा की जा रही है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि आतंकवादियों की तरफ से अभी अयोध्या के अंदर राम मंदिर को उड़ाने की जो धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, एक तरफ ये भी चिंता है, दूसरी तरफ हर बार देखा जाता है कि जब भी अमरनाथ यात्रा कराई जाती है उससे पहले एक बड़ी बैठक होती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण यात्रा जिसमें दूर दराज से लोग जत्थों के साथ आगे बढ़ते हैं और एक टाइम पीरियड में ये यात्रा संपन्न करानी होती है। तो अब अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ये हाई लेवल की मीटिंग गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। तो दोनों ही आज महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा की जानी है इस हाई लेवल मीटिंग में। पहला मुद्दा हो जाता है अमरनाथ यात्रा को लेकर, और दूसरा मुद्दा बड़ा आप देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में अभी अटैक हुआ आतंकवादियों का, जिन्होंने बस के ऊपर अटैक किया, ड्राइवर की मौत हुई, कई लोगों की जान गई। कठुआ में भी आपने देखा जहां पर आतंकवादियों में एक आतंकवादी को ढेर किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया आतंकवादियों को धर दबोचने के लिए। तो इस तरह की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज की बैठक होने जा रही है, रविवार का दिन, और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक जो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा को लेकर चर्चा तो होनी है लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू हो गई है। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। सूरजपुर कस्बा चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए हैं, चौकी इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। SI, दो हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल सस्पेंड। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं की वजह से एक्शन इन पर लिया जा रहा है। चोरी की घटनाओं में मिलीभगत का आरोप लग रहा है, सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी बिठा दिए गए हैं। हिमांशु शुक्ला और जानकारी हमारे सहयोगी इस पर देंगे, लेकिन आपको बता देते हैं एक बड़ा अपडेट जो दे रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। विस्तृत जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला देंगे, फोन लाइन पर इसमें मौजूद हैं। हिमांशु, पूरी खबर विस्तार से बताइए। ग्रेटर नोएडा में लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं चोरी की जुड़ी हुई, अब इन चोरी की घटनाओं में जो चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, इनकी मिलीभगत बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसमें जो सीनियर अफसर्स हैं वो कंसर्न थे और इसकी जांच कराई गई, तो इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की प्रथम दृष्टया मिलीभगत मिली है, जिसको देखते हुए DCP ने बड़ी कार्रवाई की है। चौकी कस्बा सूरजपुर के चौकी इंचार्ज अनिल सिंह को सस्पेंड किया, साथ में दो कांस्टेबल और दो हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। तो जाहिर तौर पर विभागीय कार्रवाई की भी जांच के आदेश दे दिए, तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की चोरी की घटनाएं आ रही थी और पुलिस कर्मियों की मिली भगत के आरोप लगे थे, गंभीर आरोप लगे थे, उसी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला जानकारी के लिए। खबर कानपुर से, जहां पर नकली दवा बेचने वाले पर FIR दर्ज की गई है। आयुर्वेद दवा कंपनी ने की थी इस पर शिकायत, और शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया, छापेमारी की। कॉपीराइट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है केस, आरोपी युवक मौके से फरार है। खबर लखनऊ से, जहां पर पूर्व सांसद KD सिंह की जांच अब तेज हो गई है। निवेशकों से ठगी का आरोप, इन पर जांच करेगी अब CBI इस मामले की। KD सिंह समेत 8 पर दर्ज हुआ है केस। KD सिंह की कंपनी जो है, केस उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, करीब 25,000 करोड़ हड़पने का आरोप है इन पर। भदोही में दर्ज हुआ है केस, CBI पूरे मामले की जांच करेगी। TMC के सांसद रहे KD सिंह की जांच अब CBI करने जा रही है। ऋषभमणि और जानकारी देंगे। ऋषभमणि, जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, अब CBI जांच करेगी इस मामले की? जी बिल्कुल, देखिए KD सिंह जो कि तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, इनके और इनकी कंपनी के खिलाफ पहले से ही देश के अलग अलग शहरों में FIR दर्ज हैं। अब एक मामले की जांच CBI को ट्रांसफर कर दी गई है, जो 2020 में भदोही में दर्ज हुआ था। इनकी जो कंपनी है अल्केमिस्ट इंप्रारियल लिमिटेड, अल्केमिस्ट टाउनशिप, इस कंपनी के जरिए इनके ऊपर आरोप है कि निवेशकों के
हजारों करोड़ रुपए, करीब 25,000 करोड़ रुपए हड़पे गए हैं। लिहाजा भदोही में दर्ज मामले की जांच अब सीबीआई को दे दी गई है। 2022 में ऐसे ही एक घोटाले से जुड़े मामले में केडी सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि अब केडी सिंह, उनकी कंपनी और उनके सहयोगियों पर सीबीआई का भी शिकंजा कस गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषिमणि त्रिपाठी। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कानपुर में पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। 100 घंटे में 11,754 वाहनों का चालान, बैक सीट पर हेलमेट ना लगाने के 1,062 चालान, 100 घंटे में 11 लाख का चालान काटा गया है। खबर पहाड़ से उत्तराखंड की बात करते हुए आपको बता देते हैं, रुद्रप्रयाग में हुए हादसे में झांसी की रहने वाली आकांक्षा की भी मौत हो गई है, वहीं दूसरी युवती नमिता गंभीर रूप से घायल हुई है। रुद्रप्रयाग में जो हादसा हुआ है, सड़क हादसा जिसमें 14 लोगों की जान गई, उसमें यूपी के लोग भी इस गाड़ी में सवार थे। हादसे में घायल नमिता झांसी के प्रेम नगर के दिलदार नगर कॉलोनी की रहने वाली हैं और मौजूदा समय में दिल्ली में रह रही हैं। आपको बता देते हैं कि नोएडा से टेम्पो ट्रैवलर से कई लोग उत्तराखंड गए थे, जहां अलकनंदा नदी में ट्रैवलर गिर गया और हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए। बल्कि यही सोच रहे थे उसको कैसे भी करके झांसी ले आए, झांसी में दिखा देंगे, लेकिन वो इतनी कंडीशन में नहीं है क्योंकि वो अपने होश में नहीं है। उसको इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, इंजेक्शन लगा लगा के मालूम नहीं, एक पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा।